हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी लाभ और हानि पढ़ रहे थे, और मैं अगर आपसे कहूँ कि लाभ और हानि आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी ये चैप्टर अधूरा है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें मैंने आपको छूट नहीं पढ़ाई। छूट परसेंटेज और छूट ये नहीं पढ़ाई। बिना छूट के लाभ और हानि बिल्कुल अधूरी है, तो अधूरी नहीं पढ़नी है, पूरा पूरा पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे कैसे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आज मैं आपके लिए छूट, डिस्काउंट बोलते हैं जिसको, ठीक है, इसका अध्याय लेकर आया हूँ, और आशा करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि छूट होती क्या है। ठीक, पहली बात, जब छूट है तो आपकी एक चीज़ बढ़ जाएगी, क्या? एमपी। एमपी क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस, ठीक है, या अंकित मूल्य, ठीक है ना, या बोलेंगे इसको क्या, सूची मूल्य। सूची मूल्य ए बढ़ जाएगा आपका। अभी आया कहाँ से गुरुजी? तो मैं आपको बता दूं कि जो छूट है ना, वो अंकित मूल्य अपने साथ लेकर आती है। कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा, आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, कि जो लाभ और हानि है वो हमेशा सीपी पर, मतलब क्रय मूल्य पर देखे जाते हैं, कि भाई लाभ हो रहा तो क्रय मूल्य पर और हानि हो रही तो क्रय मूल्य पर, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट के लिए एक कहानी अलग है। जो छूट होगी ना आपकी, छूट ये हमेशा आपकी एमपी पर होगी। एमपी मतलब अंकित मूल्य, बात समझ पा रहे हैं ना। एमपी लिखूंगा मैं हमेशा, तो समझ लीजिए, अभी से देखना बहुत ज़रूरी है। तो एमपी मतलब अंकित मूल्य। मान लो कि अगर अंकित मूल्य 100 है, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने आपको 30% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है ना, तो क्या होगा बोलो? 100 रुपये था क्या? क्या था? अंकित मूल्य। और 30% आपको अगर मैं छूट दूंगा तो क्या निकलेगा? विक्रय मूल्य नहीं निकलेगा, बोलो निकलेगा कि नहीं? और कितना निकलेगा? 70, बोलो, बात समझ में आ रही है। अब ये विक्रय मूल्य क्यों निकला? विक्रय मूल्य इसलिए निकला, मेरे प्यारे भैया, आप दुकान पे गए, ठीक है, और आपने देखा कि एक शर्ट है और उस पर दाम लगे हैं 100, ठीक, ये दाम लगे हैं, ये अंकित मूल्य है। फिर आपने वो शर्ट आपने पसंद कर ली, आप लेकर आए काउंटर पर, तो काउंटर पर जो बैठा है व्यक्ति, वो बोलता है कि सर आपको 30% की छूट दी जाती है, ठीक है। तो वो कितने में बेच रहा है, वो जो व्यक्ति है वो उस शर्ट को कितने में बेच रहा है? 70 रुपये, बोलो, 70 में बेचेगा ना, तो 70 क्या होगा? एसपी। किसके लिए? ये दुकानदार के लिए होगा, बात समझ में आ रही है ना, दुकानदार के लिए ये 70 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? मैं आपसे कह दूं कि ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये विक्रय मूल्य वाली, कि अगर अंकित मूल्य पर हम छूट अप्लाई करेंगे तो जो निकलेगा विक्रय मूल्य, वो सिर्फ एक व्यापारी के लिए है, एक व्यापारी के लिए। अब ये बात कैसी है, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे मित्र, कि अगर कोई वस्तु कोई दुकानदार आपको बेच रहा है, जैसे शर्ट अभी मैंने दिया ना उदाहरण, कि शर्ट दुकानदार ने आपको बेच दी, ठीक है, तो उसने तो बेची है, तो उसके लिए क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा कि नहीं? लेकिन आपने तो खरीदी है ना मेरे भाई, तो आपके लिए क्या होगा? क्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ गई, कि अगर व्यापारी बदलेगा तो उसका रूपांतरण हो जाएगा, ठीक है। तो अभी विक्रय मूल्य था, अब क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्यों बन गया? क्योंकि जो व्यक्ति है वो खरीद रहा है, और जो दुकानदार है वो बेच रहा है, तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य और व्यक्ति के लिए क्रय मूल्य। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया, कि अगर अंकित मूल्य है, ठीक है, और कुछ भी डिस्काउंट दिया जाता है आपको, तो क्या प्रत्येक स्थिति में अंकित मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से? बस छोटा सा आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, कि अगर कोई अंकित मूल्य है और मैं उस पर कुछ डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको, तो मैं अगर आपसे पूछूँ कि जो विक्रय मूल्य निकलेगा वह हमेशा ज़्यादा होगा कि कम होगा? क्या होगा? सर समझिए पहले आप बात को, कि जो अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य ये हमेशा ज़्यादा होगा, ऑलवेज, विक्रय मूल्य से।
यहाँ लाभ और हानि नहीं हो रही है कि भाई लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, हानि हो रही है तो क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, नहीं, सीधा सीधा हम डिस्काउंट दे रहे हैं यार, कुछ नहीं है भैया, बात समझ में आ रही है ना। तो हमेशा एक छोटा सा पूछ लिया कि अंकित मूल्य हमेशा ज़्यादा होगा किससे, विक्रय मूल्य से, बात समझ में आ रही है। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि MP और CP मतलब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य बराबर हो सकते हैं क्या, बोलो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, तभी आप सवाल लगा पाएंगे। तो इसलिए इतना कुछ मैं अगर आपको समझा रहा हूँ तो उसके पीछे कोई वजह होगी, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए समझ लीजिए कि होता क्या है। तो मैं आपसे पूछूँ कि अगर जो आपका अंकित मूल्य है क्या वह क्रय मूल्य के बराबर हो सकता है, सिर्फ हाँ या ना, सोचो, दिमाग लगाओ, आपके दिमाग में हाँ भी आ रहा होगा और ना भी आ रहा होगा ना, क्यों? अगर सवाल में लिखा है, इसमें कंडीशन अप्लाई होगी, अगर सवाल में लिखा है कि वह जितना मूल्य अंकित करता है उतने में ही खरीदता है, तब तो ठीक है, बराबर हो जाएगा, कि अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा किसके, क्रय मूल्य के। लेकिन अगर ये नहीं लिखी है लाइन, तब आप कभी भी बराबर मत कर देना, अंकित मूल्य अलग होगा और क्रय मूल्य अलग होगा। बात समझ में आ रही है कि अगर कंडीशन है, उसने बोला है सवाल में कि आपका जो अंकित मूल्य है वही क्रय मूल्य है, तब तो ठीक है, बराबर हो जाएगा कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर नहीं बोला तो आप नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई कि अंकित मूल्य अलग और क्रय मूल्य अलग, ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात। चलो अब आगे की कहानी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता था कि MP है, ठीक है, और इस पर मैं जैसा कि आपको बताया कि आपको 30% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, अगर 30% का डिस्काउंट देंगे तो कितने में, 70 में बेचेगा, बेचेगा कि नहीं, तो बराबर क्या निकलेगा, SP, ठीक है। तो 100 में से इसीलिए मैंने D लिखा, T%, क्यों, क्योंकि जितने परसेंट का डिस्काउंट देंगे उसको 100 में से घटाकर ही रखते हैं ना। तो ये आपके लिए क्या हो गया, फॉर्मूला, और मैं कहूँ कि ये कॉन्सेप्ट है, यही लगाना है आपको, आपका कोई भी प्रश्न हो आराम से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ये आप अपनी कॉपी पर लिख लो अच्छे से, ठीक है, कि अगर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट परसेंट बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य, ये लिखा है, बात समझ में आ रही है। अब अभी विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में संबंध हो गया, अब मैं आपसे कहूँ कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य इसमें संबंध बना के बताओ, इसमें क्या संबंध होता है गुरुजी? तो मैं आपसे कहूँ मेरे प्यारे मित्रों कि इसमें तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपसे क्या कह रहा था कि ये तभी बराबर होंगे जब सवाल में लिखा है कि आपका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों समान हैं, लेकिन नहीं लिखा तो ना तो ये बराबर होंगे ना कम ज़्यादा, नहीं पता ना हमें कि कम है कि ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी भैया एक आपने अभी बात सुनी है क्या, देखो दोनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या, विक्रय मूल्य, कि विक्रय मूल्य का रिलेशन क्रय मूल्य से भी है और विक्रय मूल्य का रिलेशन किससे है, अंकित मूल्य से भी है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, देखो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध क्यों है, डिस्काउंट की वजह से, छूट की वजह से, है ना, और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध क्यों है, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की वजह से, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं, बिल्कुल सही बता रहा हूँ ना मैं आपको, कि भैया कि जो अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य में संबंध क्यों है, छूट की वजह से, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध क्यों है, लाभ और हानि की वजह से, बोलो हाँ ना, है ना, ठीक। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से आप मुझे बताओ कैसे, तो अभी मैंने आपको बताया कि अंकित मूल्य 100 माइनस डी बटे 100 बराबर क्या होता है, SP के होता है ना। और मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा कितना, 100 प्लस P% लाभ हो रहा ना, अगर हानि होती तो माइनस L% लेते और कुछ नहीं, बटे में 100, यही होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100, अगर हानि होती तो यहाँ क्या लिखते, हानि परसेंट, 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100, बाकी तो दोनों चीज़ें विक्रय मूल्य के बराबर है ना, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो बीच वाले भाई साहब है ना विक्रय मूल्य, इनको हटा दो,
हटा दिया, ठीक है। और अब इन दोनों को क्या कर दो, आपस में बराबर, दोनों विक्रय मूल्य थे तो दोनों हमने रख दिए बराबर, हो गए ना। तो यहां से क्या होगा, यहां से जादू होने वाला है, देखो 100 से 100 कट गया। अब मैं आपसे कहूं कि एमपी मतलब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का यहां से अनुपात निकल रहा है, तो कैसे देखो, 100 प्लस पी परसेंट और बटे 100 माइनस डी, डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में होती है, तो प्रतिशत और लगा लो यहाँ पे, ठीक है, हमेशा। तो ए आपका एक और फॉर्मूला बन गया, और मैं कहूँगा कि कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सब कुछ आपके सामने तो था, हर चीज़ मैंने करके बताई ना, देखो कि क्यों संबंध है। तो क्या होगा कि जो आपका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात होगा ना, वो इतना होगा, ए पी परसेंट लाभ है इसलिए प्लस का पी परसेंट, अगर हानि होती ना तो यहाँ माइनस हो जाता और एल परसेंट हो जाता इस जगह पे, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन डिस्काउंट नहीं बदलने वाला आपका, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, क्लियर है ना। अब आगे बढ़ें, इतनी बात समझ में आ गई कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य तीनों को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, जान लिया कि क्या कैसे होता है, ठीक है। चलो अब आगे की बात समझाता हूँ, अगर छूट आपकी क्रमागत है, क्रमागत है, ठीक है। इससे पहले एक बात और समझ लो आप, जैसे मैं आपसे कहूं कि 20% की क्या दे रहा हूं, छूट दे रहा हूं, डिस्काउंट 20% है, किसी भी वस्तु पर 20% डिस्काउंट है, तो मैं आपसे कहूं कि कितना होता है 20%, बोलो, 1/5 होता है ना। अब छूट किस पर मिलती है, हमेशा अभी मैंने बताया है अंकित मूल्य पर, तो आधार क्या हो जाएगा आपका, एमपी, बोलो हाँ है ना, होगा ना। और एक क्या होगी आपकी, छूट मतलब डिस्काउंट, हमेशा अभी लाभ और हानि हो रही थी तो क्या निकालते थे, किस पर होती है लाभ और हानि, क्रय मूल्य पर, तो आधार आपका क्या हो जाता था, सीपी। लेकिन अब छूट के लिए आधार क्या होगा, एमपी, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देखी जाती है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया 5, और एक की क्या मिलेगी, छूट। तो बस यहाँ से हम निकाल नहीं सकते एमपी और एसपी का रेशियो, भाई 5 की है कोई वस्तु, एक की छूट पर बेची जा रही है, मतलब कितने की बेची जा रही, बोलो हाँ है ना, निकाल पाएंगे ना, बिल्कुल निकाल पाएंगे, कठिन तो नहीं लग रहा है ना, बोलो, ये तो पढ़ ही चुके आप, आपने प्रतिशत में यही पढ़ा, लाभ हानि में यही पढ़ा, और अब छूट में भी यही पढ़ना है, दिक्कत नहीं है, देखो पूरा कॉन्सेप्ट वही है, कुछ अलग नहीं होगा, आप समझिए तो बात को, बहुत आसान है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप निकालो 30%, अगर मैं आपको छूट दूं तो आप तुरंत कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि 30% होता है 3/10, यहां से एमपी और एसपी में रेशियो निकाल सकते हैं, कितना, कि अगर 10 आपका अंकित मूल्य है और 3 का डिस्काउंट मिल रहा, तो कितना हो गया, समान हो गया, हो गया ना, साधारण से आपने कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से हो गया, मज़ा आ रहा है ना, चीज़ें सीखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, भाई यहाँ से देखो ना, ये अंकित मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, अनुपात आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका जो छूट है ना, एक क्रमागत है, क्रमागत है, ठीक। अब क्रमागत कैसी गुरु जी, तो मैं आपसे कहूँ मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, कि अगर 10% छूट मिलती है और 20% छूट मिलती है, ये लगातार है, ठीक है, तो 10% और 20% की छूट पर कोई एकल छूट बताओ कि कितने परसेंट की छूट मिल रही है, तो आप कैसे निकालोगे। देखो इसके लिए आपने पढ़ा होगा, मुझे पता है आपने पढ़ा होगा, वृद्धि और कमी वाला नहीं पढ़ा है, यहाँ डिस्काउंट हो रहा है, तो 10 और 20 और प्लस कितना हो जाएगा, 10 × 20 और बटे 100 के पड़ा है ना, कितना हो जाएगा, ये 30 हो गया और ये कट गए कितने हो गया, 2, कुल मिला के 32% ये पड़ा है ना, ये वृद्धि और कमी वाला है, ठीक है ना। लेकिन अगर परसेंटेज आपकी अच्छी नहीं है, अच्छी परसेंटेज क्या होती है गुरुजी, भाई 10% पूरा लिखा है और ये 20% पूरा लिखा है, तब तो ठीक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां से उसने बोल दिया 12 सही 1/2, 42 सही 6/7, 83 सही 1/3, फिर कैसे लगाओगे मेरे भाई, नहीं लगा सकते ना, ये आप नहीं लगा पाओगे ना। आप लगाओगे भी तो कैलकुलेशन इतनी हार्ड हो जाएगी कि पेपर में आप कांपने लगोगे और नहीं कर पाओगे,
ठीक है ना। तो पेपर अच्छे से करना है, पास होना है ना, नौकरी चाहते हैं ना आप, तो आप इसको मत लगाओ, बात मान लो मेरी, ठीक है ना। तो अब लगाएं कैसे, मैंने आपको बोला कि 10% और 20%, ये क्या है, छूट है ना। तो अगर 10% की छूट दें तो मतलब 10 की वस्तु थी और 9 में बेच दी गई, बोलो हाँ या ना, होगा ना। और 20% की छूट दें तो मतलब 5 की वस्तु थी और 4 में बेच दी गई, बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते, देखो तो सही क्या कर सकते, बहुत ही आसान हो जाएगा, यहाँ से गुणा कर लो, क्योंकि ये 50 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लो कि कितने की छूट मिल रही है, कितने की, बोलो मेरे प्यारे भाइयों, कितने की छूट मिल रही है, तो आप कहोगे कि 14 की। कितने की सापेक्ष, बोलो 50 की ना, ठीक है, और गुणा 100 की, तो 50 दूनी कितना हो गया 100, 28% की आपकी छूट हो जाएगी, ठीक है ना, हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ, इस विधि से लगाइए आपका बिल्कुल सही होगा, देखो कैसे। अभी मैं आपको क्या बता रहा था, एक चीज़ बता रहा था मैं आपको, बहुत प्यारी, ये तो समझ में आ गया ना, मैं आपको बता रहा था कि 10+20 और प्लस ये कर दिया मैंने, ऐसे किया है ना, किया है ना। यहाँ मैं आपसे कहूँ कि इस जगह पे माइनस होता है, ठीक है, इसलिए 30-2 बराबर 28% आएगा, ठीक है, तो गलत नहीं करना है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस विधि से मैं इसीलिए मना करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ बहुत गलतियाँ होती हैं, कहीं प्लस होता है, कहीं माइनस होता है, कहीं माइनस प्लस, समझ में नहीं आता क्या करूँ, ठीक है ना। तो आप इससे लगाओ, बेस्ट है, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवाल होंगे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 30% और 40% के लिए कोई एकल छूट बताओ, ठीक है, तो अगर 30% की छूट है तो 10 की वस्तु 7 में बेची गई, बोलो बोलो है ना, कि 10 था क्या अंकित मूल और 3 का क्या मिला डिस्काउंट, तो कितने में बेच दी गई 7 में। अब 40% कितना होता है, तो 2/5 होता है ना, 40% 2/5, मतलब 5 है अंकित मूल्य और 2 का मिला डिस्काउंट, मतलब कितने में, 3 में बेच दी गई, बोलो है ना, ठीक है। तो ए आपका गुणा हो जाएगा, कितना आ गया 50 और ए 21 होगा ना। तो मैं आपसे कहूँ कि कितने की छूट में बेची गई, देखो कितने की छूट में, भाई कितना होगा 50 में से 21 घटाएंगे तो आपका बचेगा 29 बचेगा ना, और कितने के सापेक्ष, 50 के सापेक्ष गुणा 100, कुछ नहीं करना है, 58% आ गया, सिंपल हो गया ना, बहुत आसान तरीके से। अब सवाल करें, कुछ सवाल लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, बहुत मज़ा आएगा। देखो पहला सवाल, 3 क्रमागत छूट 10% 20% और 30% के बदले एकल छूट क्या होगी, ठीक है, चलो बहुत ही आसान, क्या करेंगे, यहाँ तो एमपी होगा और यहाँ एसपी होगा। 10% की छूट मिल रही है, मतलब 10 की वस्तु कितने में, 9 में। 20% की छूट मिल रही है, मतलब 5 की वस्तु कितने में, 4 में। 30% की छूट मिल रही है, मतलब 10 की वस्तु कितने में, 7 में, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा ना, यहाँ से कर सकते, ठीक है, कर सकते ना। तो अब बताओ इसको हल कैसे करेंगे, बोलो बताओ मुझे करके बताओ। तो आप कहोगे कि गुरु जी ये हो जाएगा आपका कितना, गुणा करना है इनका, 10×50 और ये 500 हो जाएगा, और ये 36×7 कितना होता है, 7×6 42 और 7×3 25 252 होता है, होता है ना, तो 252 कर देंगे यहाँ, ठीक है। कितने की छूट मिल गई, बोलो कितने की मिल गई, आप कहोगे कि शुरू मिल जाएगी 248 की, मिल जाएगी ना आराम से, कितने पर, 500 पर, गुणा 100, तो 100×5 5 का भाग दे देंगे इसमें, तो 5×20 फिर 5×45 और 5×6 30, तो 49.6% उत्तर आ गया आपका, कुछ नहीं है, बताओ इतने आसान से इसे आप कर पाओगे। अगर आप इसको फॉर्मूला से लगाओगे ना, तो इन दोनों में लगाओगे पहले, फिर कोई परसेंटेज आएगी, फिर इन दोनों में लगाओगे, क्या लॉजिक है यार, इससे लगाओ ना, बहुत ही आसान हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। अगला प्रश्न बोलता है कि 12 सही 1/2%,
14.7% और 16.3% क्रमागत छूट के बदले एक अकेली छूट कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो बस आपको पता होना चाहिए कितना होता 12.1/2। आप कहोगे कि 1/8 होता है, मतलब 8 है अंकित मूल्य, तो एक की छूट पर बेची गई तो कितने में बेची गई, 7 में। अब 14.2/7 कितना होता है, बोलो कितना होता है। आप कहोगे कि 1/7, मतलब 7 की कोई वस्तु है और 6 में बेच दी गई। अब 16.2/3% कितना होता है, आप कहोगे 1/6, तो मतलब 6 की कोई वस्तु है और कितने में बेच दी गई, 5 में। बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ से आप क्या निकाल पाओगे, निष्कर्ष निकालो। कैसे निकालेंगे, इस 7 से तो 7 कट जाएंगे और ये 6 से 6 कट जाएंगे, क्रॉस में कट जाते हैं, ठीक है। यहाँ 8 बचा और यहाँ 5, कितने की छूट मिली, 3 की। कितने के सापेक्ष, 8 के सापेक्ष, गुणा 100। तो 3/8 × 100 कितना होगा, बोलो कितना होगा, 37.5% उत्तर हो गया। आप कुछ नहीं है, आसानी से हो गया, ठीक है ना। तो सवाल तो हम लोग बहुत करने वाले हैं, ठीक है। आज मैं आपको बहुत सी चीज़ें समझाने के लिए आया था और समझा चुका हूँ आपको, और पूरी उम्मीद है कि आपको एक एक बात बहुत अच्छे से और बारीकियाँ समझ में आ गई होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको फिर से बहुत सारी सवाल लेकर आऊँगा, ऐसे ऐसे सवाल लेकर आऊँगा कि आपने कभी नहीं देखेंगे, ये पूरी उम्मीद करता हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए।